हेलो जी, मैं हूँ स्मिता और आप देख रहे हैं स्मिता कॉर्नर। तो इस दिवाली पर मैंने अपनी बालकनी गार्डन को कैसे सजाया तो मैं आपको वही दिखाना चाहती हूँ। तो इस बार हम लोग बंजारा मार्केट गए थे जो कि गुड़गांव सेक्टर 56 में है। वहाँ पर एक्चुअली बंजारा टाइप के लोग हैं जो मार्केट लगाते हैं, लेकिन बहुत सामान होता है। ये सब मैं वहीं से लेके आई थी। ये 100-100 रुपये का है ये दोनों। मेरे को बार्गेनिंग नहीं करनी आती है। मैं एक ही बार बोलती हूँ भैया कम कर लो, वो नहीं करता तो ठीक है दे दो, तो मुझे बार्गेनिंग नहीं करनी आती है। ये लालटेन है, ये भी 100-100 रुपये की लाई वहाँ से। इसके अंदर शाम को लाइट जलाऊंगी, फिर एक और वीडियो बना के दिखाऊंगी इसी के साथ। ये मैंने मेरा टकोरी प्लांट जो है उसके ऊपर लगा रखा है। ये चिड़िया है, ये देखिए इसमें भी लाइटें मैंने लगा दी हैं, लेकिन अभी दिन का टाइम है तो अभी जल भी रही हैं तो दिख नहीं रही हैं। मैं शाम को दिखाऊंगी एक बार और इसमें। ये देखिए, ये मैंने इस पर लालटेन टांग दी है। तो मैंने कहा चलो, चाहे हमारे पास कम जगह है लेकिन अच्छे से मैंने इसको सजा दिया है। तो ये देखिए, तो ये बंजारा मार्केट से लाई थी मैं। ये लालटेन सारी छोटी छोटी हैं, यहाँ पर तो 150 रुपये की है द्वारका में तो, लेकिन वहाँ से 100-100 रुपये की मिल गई। ये एक जैसे पुराने ज़माने में दूध की बोतलें रखते थे वैसा प्लांटर ये, इसमें 6 हैं छोटे छोटे से, कितने प्यारे से हैं। ये मैं शायद पता नहीं 500 का लेके आई थी। ये रहा, ये वर्टिकल एक है, इसमें 3 बास्केट हैं और काफ़ी मजबूत बास्केट हैं। ये लोहे का है और काफ़ी मजबूत बास्केट है। इसमें मैंने कोकोपीट की लगा कर बीच में बास्केट उसमें डाले हुए प्लांट। ये देखिए, ये नीचे भी है, इसमें भी लाइट लगाएंगे, कैंडल लगाने वाला कैंडल स्टैंड। ये देखिए, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मैं, ताकि आपको भी कोई आइडिया मिले। ऐसे ही हम लोगों को एक दूसरे से आइडिया मिल जाते हैं डेकोरेट करने के। ये यहाँ पर मैंने बुद्धा जी उठा रखे हैं, ये देखिए इनके आगे भी दिया जलाऊंगी शाम को ही। ये देखिए, ये छोटे छोटे से मैंने पेबल्स के ऊपर आर्ट बना रखा है। देखिए, देखने में जब बालकोनी खोलो तो बहुत सुंदर लगते हैं ये, बड़े ही आँखों को अच्छा लगता है कि ये सामने भगवान जी हैं। तो ये भगवान जी पेड़ के नीचे आ गए। ये देखिए, ये इस तरफ मेरा है फिश पाम, इसके साथ मनी प्लांट के साथ ही ऊपर उस पर भी मैंने लाइट लगा रखी है। फिश पाम काफ़ी बड़ा हो गया, कम से कम 10-11 फीट का है ये। ये देखिए, काफ़ी बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। तो इसके ऊपर भी लाइट लगा दी, लाइटें जल रही हैं लेकिन अभी दिख नहीं रहा क्योंकि दिन का टाइम है, तो थोड़ी शाम होगी तो लाइट जलेंगी तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बंजारा मार्केट में सामान काफ़ी सस्ता मिलता है जो बार्गेनिंग करना जानता है। ये मैंने ट्री गार्डन बना के दिखाया था, ये देखिए कितना बढ़िया हो गया। अब जो बार्गेनिंग करना जानता है वही ख़रीद सकता है वहाँ से चीज़ें, मेरे बस का तो है नहीं, मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकती कहीं पे भी जाके। तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। तो मैंने एक बड़ी लाइट इसके ऊपर लगा दी है सबके ऊपर, और कुछ और लाइट वहाँ लगाऊंगी अपने जो टांगे हुए हैं मैंने। ये देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में, और इस बालकोनी में धूप नहीं आती मेरी बिल्कुल। और ये देखिए पौधे कैसे चलते हैं, इसमें बिल्कुल धूप नहीं आती, इसमें लाइटें लग गई देखो मेरी, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। इसमें दिया भी रख सकती थी मैं बिजली वाला, लेकिन मैंने लाइटें लगा दी। देखिए लालटेन में भी दिया लगा दिया, बिजली वाले जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, वो सेल वाला सॉरी। यहाँ पे मैंने ट्री इसलिए लगाया ये वाला क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और पौधा नहीं लगा सकती, क्योंकि कबूतर आते हैं दाना खाने तो वो बैठते हैं फिर सारा ख़राब करते हैं। चिड़िया के बीच में भी लगा दिए। ये देखिए, इस समय शाम के मेरे ख्याल 6:30 का टाइम है। दिल्ली में आज बहुत ही फॉग सी है, शायद पराली का धुआं है, बहुत ही पोल्यूशन है आज। तो ये देखिए, मैं चलिए, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी अपनी छोटी सी बालकनी को इस तरीके से सजा सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है आपके लिए कि देखिए कैसे छोटी जगह को भी आप अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं। ये देखिए, बस आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है तो आदमी कर लेता है सब कुछ। मेरी फ्रेंड्स ने भी, सब ने ऐसी अपनी बालकनियाँ बना रखी हैं बहुत ही खूबसूरत।
हम एक दूसरे से पौधे भी शेयर करते रहते हैं। लोकेशन और प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए प्लीज़।